नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां उद्धव सरकार के एक मंत्री पर रेप का आरोप लगा है। हालांकि मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। स्क्रीन पर दिख रही महिला एक सिंगर है जो रोते हुए दिख रही है, जिन्होंने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। सन 2006 से इसने कंटिन्यूसली मेरे साथ रेप स्टार्ट किया है करना, और जबकि मेरे घर में कोई भी नहीं होता था, ये तब आता था। और सन 2006 में मेरी बहन डिलीवरी के बाद इंदौर गई हुई थी, तब ये आया था। सामाजिक न्याय मंत्री एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे पर महिला का कहना है कि धनंजय मुंडे को तब से जानती है जब मुंडे मंत्री भी नहीं थे। हालांकि धनंजय मुंडे ने बयान जारी किया और महिला के आरोपों को खंडन किया है। मराठी में लिखे गए फेसबुक पोस्ट में मुंडे ने सभी आरोपों को गलत बताया। महिला पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया है। मुंडे ने कहा कि 2003 से एक महिला के साथ वह रिलेशनशिप में है। आरोप लगाने वाली सिंगर उसी महिला की छोटी बहन है। मुंडे ने शिकायतकर्ता की बहन के साथ उनके रिश्ते के बारे में उनके परिवार को भी पता है और उन दोनों के दो बच्चे भी हैं। उन्होंने रेप के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए ब्लैकमेल करने की कोशिश बताया है। ब्लैकमेलिंग में महिला का भाई भी शामिल है। मुंडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में जिक्र किया है कि शिकायतकर्ता साल 2019 से ही पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। साथ ही महिला के भेजे मैसेजेस भी उनके पास मौजूद है। फिलहाल सिंगर ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।